गुड मॉर्निंग, बिल्कुल डिप्री जी, कोई दो राय नहीं है, मैं आपको एक उत्तर देता हूँ। रशिया के ऑयल एक्सपोर्ट्स हैव एक्सीडेड द प्री यूक्रेन लेवल, और सबसे बड़ा इंपोर्टर अमेरिका है। तो आपने क्या किया, डिफॉल्ट से क्रूड पे प्रीमियम बढ़ा के रशिया को और रिचर बना दिया। इससे अच्छी डिप्लोमेसी मैंने नहीं देखी। और आप हमार को बोल रहे हो तो ग्लोबल इकोनॉमी इज बैक एंड रनिंग, क्रूड पे तो जियो पॉलिटिकल प्रीमियम है वो $30 है। अगर मेरी कॉल ठीक रही तो मई में इसका भाव $80 आ जाएगा, बिकॉज दिस विल वैली, और आपके लिए ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, विच विल सी अ फॉल इन यील्ड्स एंड सो ऑन। आप डेटा चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब दिखाने का मुंह बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ऐसे चल रहा है जो ग्लोबल आपके प्लेयर्स हैं। तो मैं सोच नहीं सकता इससे अच्छा टाइम है। आपको कब मिलता है इंफोसिस और बाकी शहरों में मौका? माइंड्री के नंबर को हेड ऑफ द स्ट्रीट में अभी भी कहता हूँ, मिड कैप आईटी विल आउट परफॉर्म परसिस्टेंट एम्फोसिस, ये हमारे टॉपिक्स हैं, इनको लीजिए। एचसीएल टेक एंड टेक महिंद्रा विल बी द लार्ज कैप विच विल आउट परफॉर्म इंफोसिस। इंफोसिस की वेटेज कम हो जाएगी। कल का अपडेट दे दूं आपको, कल गेल दिया था 67 पे और 178 हो गया, 10 रुपए बढ़ गया मैंने 6%। और आपको मैंने, अब आप कहें तो मैं 3 पिक्स दूं जो मुझे लगता है यहां से आउट परफॉर्म करेगी, बट प्लीज बने रहिए, ये डोंट गेट कॉट इन दिस फियर हाइपोथेसिस। 6,00,000 करोड़ का अगर माल बिका है तो वो ज्यादातर 3 शेयरों में था जिनकी ओवर वेटेज है। और आपको पता है एफआईएस का पुरानी स्ट्रेटेजी है, बाय हाई एंड सेल लो। ओके, बिल्कुल मुझे यही पता है कि आप ये याद दिलाना बोलते नहीं है सदीप जी, तो बिल्कुल ये तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है ही आपका। तो आपने नए शेयर्स क्या बता रहे थे आप, वो डिस्कस करिए। अजय जी सबसे पहले लीजिए भारत फोर्ज, फोर्जिंग इंडस्ट्री गोइंग टू द बेस्ट टाइम, द थर्ड लार्जेस्ट फोर्जिंग इन एंड भारत फोर्ज नॉट ओनली इन ऑटो बट इन डिफेंस एंड एलएनटी आर गेटिंग अ लायन शेयर ऑफ द बिजनेस। 765 का टारगेट है, 732 रेंज में लीजिए, 712 का स्टॉप लॉस। दूसरा बाय होएगा आपका आरती इंडस्ट्रीज मेरे को बहुत पसंद है, एग्रोकेमिकल में बहुत बढ़िया कर रहा है, 914 में लीजिए, 922 का स्टॉप लॉस, 980 का टारगेट। और तीसरा मेरा फेवरेट ए